एवरीवन, आप सभी को फेरोशन ग्लोबल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं भारत की तेजी से उभरती हुई कैफे चेन द पिज्जा सेंट्रल एंड वॉफल्स पिज्जा के फाउंडर मिस्टर आयुष रावत। सो हेलो आयुष जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज हम अपना 73rd गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, सो क्या आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी व्यूअर्स को वॉफल्स पिज्जा की टीम से और मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और काम कर रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ मैं। थैंक यू आयुष जी, आप प्लीज लोगों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आयुष रावत है, मैं वैसे पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ जो करंटली अभी हम काम कर रहे हैं वॉफल्स पिज्जा और द पिज्जा सेंट्रल को। ओके, थैंक यू। सो अब आपके वेंचर्स द पिज्जा सेंट्रल एंड वॉफल्स पिज्जा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वॉफल्स पिज्जा और द पिज्जा सेंट्रल एक जॉइंट वेंचर है। सिंस 2018 हम लोग फंक्शनल थे, अभी फ्रेंचाइजी को लेकर नहीं, हमारा करंटली स्टोर था उन्नाव में जो कि सिचुएटेड है। 2019 में हम लोग ने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करा था, तब से लेकर अब तक हमारे 32 स्टोर्स हैं पैन इंडिया में जो कि काफी अच्छा और फंक्शनल वे में काम कर रहे हैं। थैंक यू। आपका फेरोशन ग्लोबल के साथ एसोसिएशन कैसा है एंड इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रोशन से तो रिश्ता काफी पुराना कह सकते हैं, या सबसे शुरुआती रुझान में हम आए थे, टच में आए थे। वो कैसे, जब फ्रोशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं था तब से हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कि एमिनेंस बिल्डर एंड डिजाइनर के लिए काम कर रही थी वो शुरू करा था। जो फ्रोशन के फाउंडर हैं वो हमारे द पिज्जा सेंट्रल में को फाउंडर भी है। तो दरअसल शुरुआत में दिक्कत ये हो रही थी क्योंकि टेक फ्रीक हम भी हैं, हमें भी चाहते थे कि हम अपने ब्रांड को ग्लोबली कैसे एक्सपेंशन करें, क्योंकि साथ में हम लोग बचपन में पढ़े हैं, सब कुछ सारी परवरिश हम लोग की लगभग साथ में ही सब कुछ हुई है। सन 1999 से हम लोग ने स्कूलिंग शुरू करी और हमारा ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम कॉलेज से था, तो एक अच्छा अनुभव था जो फाउंडर हैं फ्रोशन के। तो जो चीज खास है जो मुझे अट्रैक्ट करी अन्य कंपनी से फ्रोशन में, कि हम अपने ब्रांड को लेकर काफी सीरियस हैं। हम मतलब हमारी टीम जिसमें फ्रोशन भी है और हमारी वॉफल्स भी लाई है, हमारी बेसिकली येलो एंड ब्लैक हमारी टीम है जिसको लेकर फ्रोशन काफी सीरियस है। जो भी पोस्टर्स और बैनर बनते हैं उनको लेकर कंसर्न है और हम अपनी ब्रांड की इमेज को सेम वे में रेप्लिकेट कर रहे हैं। सेकेंडरी हमारी लगभग 32 स्टोर में सॉफ्टवेयर एक ऐसा मेजर पार्ट है किसी भी एक आईटी इंडस्ट्री के लिए और एक फूड इंडस्ट्री के लिए। सॉफ्टवेयर के पार्ट में 200-300% आप कह सकते हो कि मैं बेफिक्र हूँ। आज तक मुझे कोई भी ऐसा फ्रेंचाइजी ओनर से कंप्लेन नहीं आई कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, सब इवन 99% सेटिस्फेक्शन रेशियो है और दिन पर दिन वो अपडेट्स हो रहे हैं कि जो कि एक सोने पे सुहागा पे काम कर रहे हैं। तीसरा है कि सॉफ्टवेयर के पार्ट से करें या फिर हम ओवरऑल पैकेजिंग के टर्म्स में बात करें, ये जो पैकेज फाउंडर और टीम फ्रोशन सिलेक्ट करती है वो बहुत बजट फ्रेंडली है जो कि हम लोग के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा और ज्यादा इजी वे में रहता है। तीसरा और सबसे लास्ट फोर्थ पॉइंट कि क्योंकि मेरे टर्म्स में और भी मेरे सिविल इंजीनियर के साथ आईटी के भी हैं, सीएटी के भी हैं, तो मैं देखता हूँ कि प्राइस जो हमको दिया वो हमें जो काम करने का तरीका है वो बाकियों से अलग है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोशन पे, आप ये कह लो कि आप क्योंकि हमारा वर्क एथिक्स भी है कि हम उनके साथ में और मेरी मजबूरी भी है कि प्रोशन के हम साथ में रहना चाहते हैं और हमेशा के रहेंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। एंड ये बिल्कुल सही बात है कि द पिज्जा सेंट्रल एंड वॉफल्स पिज्जा की जर्नी बहुत ही अच्छी है। हम भी यही चाहते हैं कि टीपीसी एंड वॉफल्स पिज्जा एंड फेरोशन का ये जो एसोसिएशन है ये आगे ऐसे ही चलता रहे एंड सक्सेसफुल होता रहे। सो थैंक यू आयुष जी आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।